हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ टू क्लीन वुडन फर्नीचर। वुडन फर्नीचर पे टाइम के साथ साथ काफी सारा डस्ट जमा हो जाता है और आपके वुडन फर्नीचर में यदि कार्विंग वर्क काफी ज्यादा है तो उसको क्लीन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो डस्ट एक्यूमुलेट करने लगता है और बहुत ही गंदा दिखने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टिप्स बताऊंगी, एक ऐसा होममेड सॉल्यूशन बताऊंगी जिसको यूज करके आप अपने वुडन फर्नीचर को बड़ी ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं और बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी पुरानी फर्नीचर्स होती हैं जिससे कि हमें काफी ज्यादा लगाव हो जाता है, उसको हम हमेशा यूज करना चाहते हैं और उसको नए फर्नीचर से रिप्लेस बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी जो चमक होती है वो डाउन होने लगती है या काफी सारे डस्ट जो है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो उसको कैसे क्लीन किया जाए, उसको कैसे टिप्स का यूज करके, ट्रिक्स का यूज करके किस तरीके से बिना ज्यादा मेहनत के क्लीन किया जाए, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको लेना है शू ब्रश। ब्रश साफ होना चाहिए बिल्कुल, अगर आप नया यूज करें तो बेस्ट है। इसकी हेल्प से पहले हम डस्ट को क्लीन करेंगे जितना संभव हो सकता है, इस तरीके से। अब हमें लेना है एक टूथ ब्रश, इस तरीके से टूथ ब्रश ले लेंगे और उसके बाद हमें चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। दो तीन बूंद कोकोनट ऑयल डालना है, ज्यादा नहीं डालेंगे, बस दो तीन बूंद। और उसके बाद हम क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। ब्रश का यूज हम इसलिए यहाँ पर करते हैं कि ये बड़ी ही आसानी से ये जो डिजाइन्स बने हुए हैं वुडन फर्नीचर में उसके अंदर जा करके क्लीन करेगा डस्ट को। अब उसके बाद हमें एक व्हाइट कपड़ा लेना होगा, इस तरीके से एक साफ कपड़ा आप ले लीजिए और उसको ब्रश के ऊपर इस तरीके से डाल देना है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम फिर से क्लीन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो ब्रश और कपड़ा दोनों जो है वो कार्विंग वर्क के अंदर जो भी डिजाइन्स बने हुए हैं वुडन फर्नीचर में उसके अंदर बड़ी ही आसानी से।
फ्रेंड्स कितना ज्यादा गंदा है ये कपड़ा, मतलब कितना ज्यादा डस्ट निकला है इसके थ्रू। यहाँ पर व्हाइट कपड़ा का यूज मैंने इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब टिश्यू पेपर के हेल्प से वाइप कर लेंगे हम, इससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होंगे फर्नीचर के ऊपर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस टिश्यू पेपर में। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देना है टिश्यू पेपर की हेल्प से। ये देखिए टिश्यू पेपर में भी थोड़ी बहुत गंदगी जो है वो निकल कर आई है बाहर। और अब इसको देखिए ये बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है। देखिए कहीं भी डस्ट के पार्टिकल्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये मेरा वीडियो आप सबके बहुत काम आने वाला है। अगर आप प्रोफेशनल्स की हेल्प से क्लीन कराते हैं वुडन फर्नीचर को तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, बट इन केस प्रोफेशनल्स आर नॉट अवेलेबल और मे बी यू कैन नॉट अफोर्ड दैट कॉस्ट, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज दिस होममेड टिप्स और ट्रिक्स टू क्लीन योर वुडन फर्नीचर, इट वर्क्स 100%। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।